गाइज गुड मॉर्निंग। और आज हमारे दिन की शुरुआत जो है एक अच्छे काम से हो रही है, क्योंकि हम जा रहे हैं बूस्टिंग आउट और पैकिंग जो है स्टार्ट हो गई है। तो ये यहाँ पे मेरे हस्बैंड बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, गद्दे संभाल रहे हैं। गाइज ये बॉक्सेस हमने रखे हुए हैं सामान पैक करने के लिए, सब ले जाना पड़ेगा। ये हमारा डेकोरेशन हुआ था, ये हमारा ड्राइंग रूम था जिसको काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया हुआ था मैंने। और अब जो ये सारा पैक होगा तो मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। ये देखिए गाइस, यहाँ पे मेरा चुन्नू सा बेटा अपने टॉयज के साथ खेल रहा है, जिनको कि ये पैक नहीं करने दे रहा। हम जितनी बार बॉक्स में डाल रहे हैं वो उतनी बार जो है उनको निकाल दे रहा है। और ये हमारा था बेडरूम, जिसमें क्या अभी ब्लैंकेट वगैरह वैसे ही पड़ी हुई है, क्योंकि पैक ही करना है तो कर लेंगे। ये ब्लॉगिंग कर रहे हैं ऐसे वीडियो बनाते हैं। देखिए दोस्त, ये देखो वहां देख, एक पार्टी और जा रही है। कौन ये बोल गए? सरविंदर कौन था वो? एमएस के वाला। अच्छा हाँ, भूल गए थे सरविंदर भैया, चले गए वो लोग। इतना बड़ा हम बाप रे। थोड़ी देर पहले जो है ये सामान पैक हो चुका था आधा, और ये अभी जो है पूरा खाली हो चुका है। ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे खेल कर रहे हैं। जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो डिस्टर्ब भी क्या ही करना होता है बच्चों को, वरना डिस्टर्ब करो तो सर पे नाचने लग जाते हैं, इसलिए जैसे हैं वैसे ही रहने दो। टेस्टी सा खाना जो हमारी पड़ोसी ने दे रखी है, जिनका नाम है स्मिता, और वो मेरी आगे की पिछली पीछे की वीडियो पे मैं भी है, स्मिता सकलानी। गाइस फाइनली हमारा क्वार्टर खाली हो चुका है। ये था मेरा ड्राइंग रूम, ऐसे वॉशरूम वगैरह, एक बेडरूम ये था, और ये थी यहाँ से बाहर बालकनी, और ये कुछ प्लांट्स हैं जो कि बहुत भारी हैं, ये नहीं ले जा रही मैं। और यहाँ से दिखता था ऐसा व्यू, और यहाँ पे जो सामान था वो भी जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, उधर ले जाना है और उधर जो है नीचे लोड हो रहा है, और यहाँ से ऐसा व्यू दिखता था। नहीं हाँ हाँ नहीं लेगी बेटा, नहीं लेगी। और एक बेडरूम ये है, ये सरकारी सामान है। और ये था हमारा किचन। आई होप कि आपको आर्मी क्वार्टर अच्छा लगा हो। ये दो बच्चे सामान ले जा रहे हैं। और आधा लोग जो है नीचे ही है।
ममता कहाँ गई? चलो यार बाय। तो गाइस हम जो है जा रहे हैं ये घर छोड़ के। बुरा भी लग रहा है पर थोड़ा इमोशनल क्या होना, ये तो रूल ही है आर्मी में, दो दो साल रहो और जाओ। इसलिए खुशी खुशी जा रही हूँ मैं तो। हाँ हाँ ये भाई ये है गैरसैंण की इकलौती हटेली की हटेली का नाम क्या है? ये हटेली की मम्मी है यहाँ पे। ये हमारी शिवा भाभी जी हैं। ये है कानू की मम्मी है, बड़ी सुस्त हो रखी है, बहुत रो रही है, फूट फूट के रो रही है। अरे वो बाहर से हंस रही है, पता है अंदर से रो रही है। ये क्या बिरू की बारी है। ये ऐसी भाभी के दोनों बच्चे हैं और एक नई नई भाभी जी वो ऊपर भी हैं, वो थोड़ा शर्मा रही है अभी, नहीं है ना वो, इसलिए नहीं आ रही है। बाकी एम एच वाली भाभियां हैं, बहुत सुंदर सुंदर भाभियां हैं। बाय बाय कर दो, बाय कर दो। अरे हो गया, मीनाक्षी और बनाना है। अरे पकड़ कर तो लिया मैं उधर से मीटर का। ये देखो सब आंटी लोग जा रहे हैं, मैंने आंटी को छोड़ने। हेलो मैं ठीक हूँ। अरे सब लोग जाते हुए देख एक ये भी है चंदन। बाय बाय चलने मेरी भी भाभी जी लोग तुम भी रहो गले मिलो। अरे हाथ मिला लो। बाय बाय। ये रो रहा, ये मेरा बच्चा रो रहा है। अरे कहीं रो रहा है, हाथ मिला लो। अरे आपके फ्रेंड से तो हाथ मिला लो। चलो ठीक है ओके। सभी भाभी लोगों को मैं तो यही हूँ अभी, ठीक है मैं नहीं जा रहा हूँ, इधर रो मत। क्या रो रहे हो? मेरे ठीक है चलो अभी हम चलते हैं। अरे जा रहे हैं हम आज। जी के द्वारा दिया गया प्रसाद। तो फाइनली दोस्तों हम जो है लैंसडाउन से निकल गए हैं और लैंसडाउन को भी बाय बाय बोल दिया है और वहां के दोस्तों को भी बाय बाय बोल दिया है। और आज का ब्लॉग जो है यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट प्लेस में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय बाय।